शो की शुरुआत कर रहे हैं झारखंड से आई बड़ी खबर से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं अब तय मानी जा रही है। ईडी ने तमाम सबूत जुटा लिए हैं और इस बीच एक अहम खबर कि हेमंत सोरेन अगर जेल गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम होंगी। हेमंत सोरेन ने सहयोगी दलों की बैठक में ये जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। सभी विधायकों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भरोसा दिखाया है। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। आज शाम महागठबंधन के विधायकों मंत्रियों की बैठक में सीएम ने तमाम जानकारी दी है। बुधवार को ईडी दूसरी बार हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। बुधवार दोपहर 1 बजे ईडी की टीम सोरेन से पूछताछ के लिए जाएगी और इस अहम बैठक में ये जानकारी कि अगर वो जेल गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम होंगी। और इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनोरंजन, क्या लग रहा है आपको कि जो बिहार में हमने तस्वीरें देखी थी, लालू प्रसाद यादव जेल गए, अपनी पत्नी को गद्दी सौंपी, कुछ ऐसा ही झारखंड में देखने मिलेगा? जी हाँ, आप कह सकते हैं कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आज जो बैठक हुई है और उस बैठक में हेमंत सोरेन जो किसी तरह दिल्ली से पहुंचे, ईडी इनको दिल्ली में ढूंढ रही थी लेकिन वो बाय रोड वहां पर पहुंचे। गढ़वा जो जगह है वहां पर उन्होंने झारखंड में इंटर किया और उसके बाद सहयोगी दलों के साथ बैठक में उन्होंने साफ कह दिया कि यदि कल को उनको ईडी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है तो कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री होगी झारखंड की। बाकी लोगों से राय उन्होंने पूछी वहां पर तो सबने कहा कि नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे मामला थोड़ा इसलिए राबड़ी देवी से अलग है क्योंकि कल्पना सोरेन जो है वो पढ़ी लिखी महिला है, उड़ीसा के मयूरभंज से आती है। हालांकि उनकी उनका जन्म और उनकी शिक्षा दीक्षा भी रांची में ही हुई है। एक वो स्कूल भी चलाती हैं वहां पर और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक फार्म भी चलाती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भले ही उनका दखल सीधे तौर पे हेमंत सोरेन के डे टू डे जो राजनीतिक गतिविधि है उसमें भले ना हो, लेकिन पीछे से वो जरूर उनको सलाह देने का और उनको उनके साथ विचार विमर्श अपनी बातें वो हेमंत सोरेन को बताती रहती हैं। तो चूंकि वो पढ़ी लिखी महिला है इसलिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बात हुई झारखंड में, उनका कहना था कि सही जितने भी सहयोगी दल हैं उनका ये उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह पे झारखंड की सरकार ना गिरे और इसलिए सबने इसके लिए हाँ कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कल को यदि ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है तो कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री होंगी और सभी सहयोगी दल उनके साथ हैं और झारखंड सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि सभी सहयोगी दलों ने हेमंत सोरेन को ये भरोसा दिलाया है कि किसी भी कीमत पर वो झारखंड सरकार को गिरने नहीं देंगे। सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। बीजापुर सुकमा सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सिलगेर के टेकलगुड़ा इलाके से यह खबर है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जारी है, सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हुए हैं और 14 घायल हैं। इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं, उनमें से 2 कोबरा 201 बटालियन का और 1 CRPF 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट मून का शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जयलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में उनकी पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई है। वहीं हादसे में मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे घायल हुए हैं। यह हादसा अलवर के नोगावा में हुआ है। मानवेंद्र बीजेपी के दिवंगत नेता, विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे हैं। एक के बाद एक गैंगस्टरों की हत्या से एनसीआर में हड़कंप मच गया है। पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर राजन की हरियाणा की यमुना नगर में हत्या और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कपिल सागवान उर्फ नंदू गैंग के खासम खास गैंगस्टर सूरज भान उर्फ बालू की फरीदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूरज भान अपनी बहन से मिलने फरीदाबाद आया था जहाँ अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी।
पुलिस दो एंगल पर मामलों की जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सूरज भान यूएसए में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कपिल सागवान उर्फ नंदू का खासम खास है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बीते 6 महीने से मराठा आरक्षण आंदोलन की तलवार जो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लटक रही थी वो म्यान में वापस तो चली गई है। किसी तरह से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश हुई है, लेकिन इस कोशिश में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बीजेपी का जो ओबीसी वोट है वो खिसकेगा तो नहीं। रौनक कुकड़े की मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। मराठा समुदाय के लाखों लोगों के सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उन्होंने मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए जो सौगंध ली थी उसे उन्होंने पूरा कर दिया। माना जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे को जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था उस पर वो खरे उतरे है। मैं जाहिरपणे मराठा समाज को आरक्षण देने की मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली थी, वो शपथ पूरी करने का काम मैं कर रहा हूँ। शपथ पूर्ण करण्याचं काम हा एकनाथ शिंदे करतोय। 2022 में जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया तो सभी चौंक गए कि आखिर 40 विधायकों वाली पार्टी के नेता को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी उस गठबंधन में, 105 सीटें थी बीजेपी के पास। तो इसके पीछे कारण यह था कि बीजेपी का नेतृत्व ये जानता था कि आगे चलकर मराठा आरक्षण को लेकर फिर से तीव्र आंदोलन हो सकता है, उसी तरह का जैसे कि साल 2018 में हुआ था महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों पर और कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी। तो ऐसे में उन्हें जरूरत थी एक मराठा चेहरे की, एक ताकतवर शख्स की जो कि मराठा आरक्षण के आंदोलन को सुलझा सके, मराठाओं को शांत रख सके। तो यही सोचते हुए एकनाथ शिंदे को चुना गया था, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई ऐसा बड़ा कद्दावर मराठा नेता नहीं था। सितंबर 2023 से मराठा आरक्षण आंदोलन सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ था। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में हुई हिंसा और आगजनी ने शिंदे सरकार के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही थी। अंततः मराठाओं को कुंडी प्रमाण पत्र देने के सिलसिले में मनोज जरांगे पाटिल की मांग को मानकर सरकार ने आंदोलन को शांत किया। सीएम एकनाथ शिंदे के इस फैसले से मराठा समुदाय में तो उनका कद बड़ा हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मराठाओं को पास या अपने पाले में लाने के चक्कर में ओबीसी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हो गया है और सरकार में शामिल मंत्री छगन भुजबल भी अब सरकार पर आंख दिखा रहे हैं। 35 साल से मैं लड़ रहा हूँ, अब मेरे सामने मैं जब देख रहा हूँ कि सब आरक्षण खत्म हो रहा है तो मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा? और सारे हमारे ओबीसी के अलग अलग जातियों के जनजातियों के जो लीडर है कल यहाँ जमा हो गए थे, बिल्कुल कई लोगों के आंखों में तो आंसू आए थे कि अब क्या करेंगे, कि सब हाथ से निकल रहा है। अब हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, कम से कम हम जनता के कोर्ट में जाएंगे, रैलियां करेंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जो भारत की संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून दिया उसके कानून के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लेकिन मराठा आंदोलन का सहरा शिंदे के सिर पर बांधा गया तो ओबीसी को संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी ने ली। ये अंदेशा पहले से ही था कि मराठाओं को संभालेंगे तो ओबीसी नाराज होगा, इसलिए फडणवीस ने खुद को मराठा आंदोलन से दूर रखा और अब वो बोल रहे हैं कि ओबीसी के हितों का कोई नुकसान सरकार में बीजेपी नहीं होने देंगी। अतिशय चांगला सुवर्ण मध्य आपण काढले, हमें ऐसा रास्ता निकालना है जिससे मराठा समाज को भी फायदा हो और साथ ही किसी समाज पर अन्याय ना हो। भुजबल जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार ओबीसी समाज पर अन्याय नहीं होने देगी। तो ये है गेम प्लान, दो घटकों की सरकार है, एक मराठा समुदाय को जोड़ रहा है तो दूसरा ओबीसी को भरोसा दिला रहा है, मगर देखना है कि इस तनी हुई रस्सी पर संतुलन कब तक बना रह पाता है। यानी 24 की चुनावी लड़ाई में चित भी मेरा और पट भी मेरा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में सरकार ने पिछले सत्रों का टकराव टालने का ध्यान रखा, बताया कि सांसदों का निलंबन रद्द होगा। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए, तो वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी,
एनसीपी के शरद पवार और सपा के एसटी हसन और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई नेता शामिल हुए। सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि बजट सत्र ठीक से चले। पिछले सत्र में अलग अलग दिन विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए गए थे। हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके उनको सभी जो सस्पेंडेड एमपी तो अंदर आ ही गए हैं लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनंती किया है और दोनों ने स्वीकार। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। विपक्ष सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। उसका इरादा सत्र के दौरान सारे मुद्दे उठाने का है। भरपूर दुरुपयोग हो रहा है संवैधानिक संस्थाओं ईडी सीबीआई ये जिस तरह दुरुपयोग कर रही है उसका ताजा उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ जो कुछ हो रहा है सारा मैंने उठाया है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो भी मैंने उठाया है। अक्षर मंत्री जो बजट पेश करेंगे 1 फरवरी बंगाल के ये इश्यूज को जो हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर तक डिपुटेशन मेमोरेंडम एवरीथिंग दिया है उसके बारे में जवाब कर। संसद का यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। 17वीं लोकसभा का यह आखिरी सत्र होगा। संसद का यह सत्र बेहद छोटा रहेगा पर हंगामे में कोई कटौती नहीं होगी। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। चुनाव सामने है लिहाजा कोई भी पक्ष अपनी बात रखने से नहीं चुकेगा। यही वजह है कि संसद का यह सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर सैकड़ों किसान मार्च करते हुए पहुंचे। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो यही प्रदर्शन करते रहेंगे। सैकड़ों किसान फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर जम गए हैं। मांग वही पुरानी है जिसका कोई समाधान प्रशासन नहीं निकाल रहा है। एक समान मुआवजा और बसाई जा रही रिहायशी बस्तियों में 10% जमीन मांगे। हमारी आबादी छोड़ी जाए और हमको 10% दिया जाना चाहिए। 4% ये जो किसानों को मुआवजे के एवज में 10% मिलता था उसमें कुछ किसानों को 6% दे दिया, कुछ किसानों को 10% दे दिया, लेकिन अभी 4% हमें नहीं दिया अथॉरिटी ने। ये होगा कम से कम 15-16 साल हो गई सर लड़ते लड़ते हमें। 15-16 साल हाँ, जब से दिया ही ना हमें अब तक तब से नहीं दिया। कड़ी ठंड के बावजूद प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शरीक हैं। इस बार ये सब लोग मांगे पूरी हुए बिना हटने को तैयार नहीं। अभी पीछे भी हमने 124 दिन की लड़ाई लड़ी, उसमें ये तय हुआ था कि 10% प्लाट हमें देंगे, लेकिन अभी तक भी हमारा जो वादा किया था इन्होंने हमारे साथ में वो पूरा नहीं किया। जब तक ये प्रॉब्लम हमारी हल नहीं होती है तब तक हम यहीं पर रहेंगे और तभी घर वापस जाएंगे जब ये हमारी प्रॉब्लम हल हो जाए। पिछले साल सितंबर में प्राधिकरण ने किसानों के साथ समझौता करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं होने पर किसान एक बार फिर सड़कों पर आने को मजबूर हुए हैं। अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिल्म हनुमान ने किया दुनिया भर में 250 करोड़ का कारोबार। बताएंगे आपको ये पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बापू के संदेश न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए जो काम करते हैं उसमें गांधी जी की आशाएं हैं। देखिए, गांधी जी के जीवन का संदेश न ही केवल भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पूरे संसार के लिए, आज की पीढ़ी के लिए नहीं पर पिछली पीढ़ी के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आने वाले कल के लिए। उनके जीवन का संदेश हर रोज़ हमें याद ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाते जो हम कार्य करते हैं देश की सेवा में, वो कार्य करते हुए हर रोज़ गांधी जी की जो आशाएं हैं हमारे देश के प्रति, उसको हम उस उद्देश्य को आगे रख के हम काम करते हैं।